तो बोले एक चीज और बताओ, जैसा आप उत्तराखंड में आए हो हमारे दिल्ली से भी यूपी से, जी भैया, तो यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई दुविधा परेशानी कुछ ऐसी? बोले नहीं, सब बहुत बढ़िया, सब बढ़िया है। जी बोले, जी बोले। अच्छा आप लोग आ रहे हो, जैसे आप लोगों को आगे कोई मुस्लिम दुकान मिलेगी तो बोले क्या मतलब आप खाना खा चाहोगे वहाँ से लेकर? जी बोले, बात तो ऐसी, देखो हिंदू हो या मुसलमान हो, है तो इंसान है, सब इंसान है। बहुत बढ़िया बात बोल रही भाई हमारे। अच्छा करो या बुरा करो, वो तो सब अपनी अपनी समझ है ना, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ है। उसके लिए तो हमारे भोले ने बहुत अच्छी बात बताई, अपनी अपनी सोच है। अगर यहाँ अभी तक हमें कोई परेशानी नहीं आई है, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अपने उत्तराखंड वालों, ये बहुत ही गर्व की बात है, स्वागत है मेरे एक और व्लॉग में। तो आपका भाई आशु विनायत फिर से हाजिर हो गया है। आज कुछ डीजे का कंटेंट नहीं, थोड़ा हट के कंटेंट लेकर के आया हूँ मैं, क्योंकि कुछ यहाँ पर भोले मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और मिल गए थे, और ये विशाल कावड़ लेकर के आए हैं। कैसे हो बोले? बढ़िया। क्या नाम बताइए? मेरा नाम जोनी बाबा। आपका? अरविंद बोला, मोदी नगर से। और आपका बोले? निखिल कुमार। निखिल कुमार, आपको बोले क्या नाम है? मेरा नाम बोले गौरव बोला। गौरव बोला। तो सभी लोग कब आए थे यहाँ पर हरिद्वार में? आप लोग? हम आए हैं 19 तारीख के सुबह। 19 तारीख के सुबह आए थे। 19 तारीख के सुबह में? हाँ। अच्छा, और जल किस दिन भरा आपने? हमने कल उठाया है जल, कल। तो यानी कि एक दिन में आपने हरिद्वार से यहाँ तक का सफर तय कर लिया? दो दिन में आए हम यहाँ। दो दिन में यहाँ पहुँचे हो आप, चलो बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही मेहनत से आए। चार लोग आप लोग कैसे, बदल बदल के ला रहे हैं या फिर एक ही? सबके अलग अलग है, सबकी अपनी अलग अलग है। लगभग कितने कितने वेट की होगी? कितना वेट होगा इसका? ऐसी है 65-80। 65-80 के आप देख सकते हो, 65-80 का वेट बता रहे हैं भोले, और हाइट भी इसकी ठीक ठाक रखी है। वैसे इतनी हाइट गाइडलाइन में चल रही है ना फिलहाल, अभी ज़्यादा तो नहीं हाइट इसकी भोले? बस जो अगर हाईवे पे चल रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रुड़की में अंदर भेज दिया था तो हम जबरदस्ती करके हाईवे पे चले हैं। पेड़ बहुत दिक्कत कर रहे थे, पेड़ हाइट काफ़ी है, तो अगर जो हवा चलती है तो झोंक बहुत मारती है, बहुत बिल्कुल बिल्कुल संभालना मुश्किल हो जाता होगा उसको, क्योंकि वेट भी ज़्यादा है, फिर चलना भी पड़ता है उसको लेकर के साथ में। तो आप लोग जाने कहाँ पर वाले हैं ये बताइए मेरे को? मोदी नगर बोले। चारों मोदी नगर जाएंगे? हाँ जी, सभी लोग। ठीक है। अच्छा आप लोग जैसे यूपी से हैं, अभी यूपी में फिलहाल आजकल चल रहा है कि किस किस दुकान से आपको लेकर के कुछ खाना पीना चाहिए, उसके बारे में आपकी क्या राय है, मतलब क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने भी नया नियम निकाला है कि भाई सभी दुकानदारों को अपने अपने दुकान पर अपने नाम की चिट लगानी चाहिए, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? बोले उसका विचार क्या है, ये है अगर जो आदमी सही है, अगर जो कहीं व्यवस्था अच्छी मिल रही है तो खाने की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खा सकते हो, है ना? हाँ जी। कोई नहाने की व्यवस्था है कहीं तो वहाँ? तो रास्ते में जैसे आप उत्तराखंड में आए हैं, आपको इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी हुई है यहाँ पे, कहीं पे व्यवस्था ख़राब मिली हो या कुछ ऐसा कुछ आप लोगों के लिए आपको लगा कि दुविधा है हमारे लिए? वैसे कोई व्यवस्था ख़राब नहीं है, बस उन्हें रुड़की के रास्ते के लिए भेज रहे थे अंदर से, तो वैसे कोई वहाँ पर उन्हें दिक्कत थी, बस पेड़ लड़ रहे थे, नहीं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चलो वो प्रशासन का अपना एक अलग मुद्दा है, वो देखो जिस तरह अकेडमिक यहाँ पर चाहेगा वो उस तरह ही यहाँ पर हो पाएगा संभव। बाकी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह के यहाँ पर उत्तराखंड में नागरिक है, उनसे किसी तरह का कोई दुविधा कोई परेशानी तो नहीं है आपको उत्तराखंड? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है एकदम। तो हमारे उत्तराखंड के लिए थोड़ा सा जैसा मान लो कुछ भोले आते हैं, वो बताते हैं उनके बारे में कि भाई हमें उत्तराखंड वालों से इतना वो नहीं रहा कि भाई जैसे यूपी वाले बंदे चाहत रखते हैं, तो एक तरीके से मान लीजिए उत्तराखंड की कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है। वो तो सब अपनी अपनी समझ है ना, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ है उसके लिए। तो हमारे भोले ने बहुत अच्छी बात बताई, अपनी अपनी सोच है, अगर अच्छाई को अच्छाई से देखोगे तो अच्छा लगेगा और बुराई को बुराई से देखोगे तो बहुत बुरा लगेगा। यहाँ अभी तक हमें कोई परेशानी नहीं आई है, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अपने उत्तराखंड वालों, ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे भोले ने जो बताई है कि हमारे उत्तराखंड में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिनको इनकेस दिक्कत अगर आ भी रही है तो हम लोग सब मिलकर के कोशिश करेंगे वो आगे से दिक्कत ना आए हमारे उत्तराखंड में, क्योंकि भोले बहुत मेहनत से आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, राजस्थान यूपी हरियाणा पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, अपने जल लेके साल में एक बार तो यात्रा होती है, तो भाई थोड़ा सा अगर कहीं ना कहीं हमारी कमी है उत्तराखंड वालों की तो हमें भी उनके साथ में कोऑपरेट करना चाहिए। बिल्कुल। कि कावड़ के बारे में कुछ बता दीजिए जी, कावड़ के बारे में क्या बता दें? एक साथ में ये वाली कावड़ भी इन्हीं की, चार कावड़ थी ना आपकी, और दो कहाँ पर है? दो और आगे चले गए भोले, दो आगे चले गए लेकर भोले की कलश है इन वालों की। अच्छा, इन भोलों की कलश है, ठीक है। तो यानी कि दो कावड़ आपके यहाँ पर हैं और दो आगे जा चुकी हैं आपकी, ठीक है। भोले की कलश है यहाँ, इन बोले की कलश है। तो आप अभी कब तक यहाँ पर हैं, रेस्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ से कितनी देर बाद निकलोगे आप? बस हम जा रहे हैं थोड़ी बहुत देर में, थोड़ी बहुत देर निकल जाएंगे। आपका जलपान वगैरह की व्यवस्था हो गई यहाँ पर? हाँ, खा लिया, खाना वाना हो गया, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है बोले, फिर मिलते हैं, आते रहना, अगले साल भी मुलाकात करेंगे आपसे जरूर। तो बोले हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, ऐसी बात नहीं, तो इन्होंने मेरे को दूर से पहचान लिया था, तो भाई सब्सक्राइब करना, बढ़िया है भोले, भोले का चैनल सब्सक्राइब करो, बढ़िया है भोले। ओके, वीडियो सारी देखता हूँ, थैंक यू सो मच, करो लाइक, करो फॉलो, करो सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों इधर हम कुछ छूट कर ही रहे थे और यहाँ पर हमारे सामने आ चुकी है सबसे विशाल कावड़, पहली विशाल कावड़ है, इसको हम बोल सकते हैं कि हरिद्वार के अंदर पहली विशाल कावड़ हमारे सामने नजर आ गई है। कैसे हैं भोले सभी लोग?
बहुत अच्छे बोल सकते। नाम क्या है बोले आपका? पवन बोला जी। तो बोले आपकी जो कावड़ है बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है, लगभग कितने की लागत इसमें लग गई होगी? लागत लगी है बोले कम से कम इसमें 1.75 या 2 लाख के लम। तो देख सकते हैं आप 1,75,000 या फिर 2 लाख के समथिंग इसमें लागत लगी है। कितने लोग आ रखे हैं आप? 14 भोलों का ग्रुप है यहाँ पे। और जाने वाले कहाँ पर हैं अभी? हरिद्वार से दिल्ली रनौला गाँव। एक बार दर्शकों को आपको दिखा देता हूँ मैं कावड़ का लुक किस तरह का रहा है, कितनी प्यारी कावड़ को सजा रखा है, बहुत ही बेहतरीन और अब तक की पहली विशाल कावड़ हमारे सामने आई है। तो आप लोग देख करके कमेंट करके बताना कि आपको कावड़ कैसी लगी। पहले लाइक करें, कमेंट करके बताना जरूर एक बार कि आपको कावड़ कैसी लगी। तो दोस्तों अभी हमारे कुछ भोले हमारे सब्सक्राइबर हमको मिल गए थे, तो अभी मिलाते हैं आपको। भोले कैसे हो सभी लोग? बस बढ़िया भोले जी, आप बाबा रहे? हम भोले जिला गाजियाबाद लोनी तहसील। सारे भोले एक जगह से? ना भोले अलग अलग हैं। अलग अलग बताओ। दिल्ली तिलक नगर। हम जी लोनी गाजियाबाद। आप कहाँ से बोले? लोनी गाजियाबाद। नरेला दिल्ली में। भोले फरीदाबाद। फरीदाबाद बोले कहाँ से? दिल्ली आनंद विहार। अच्छा, तो यूपी से कमी है, दिल्ली की ज्यादा है जी। बोले अच्छा ठीक है। तो बोले अभी कितने घंटे में आप लोग वहाँ से यहाँ पर पहुँच गए हर की पौड़ी से? बोले कल सुबह संडे में 6 बजे जल उठाया था और अब हम यहाँ पहुँच गए रुड़की। रुड़की पहुँच गए। कितना कितना लीटर जल लेकर के आ रहे? बोले हमारा 41 लीटर जल है। सारे भोलों के पास जी? इनके पास 61 लीटर जल है। ये हरियाणा के बोले। कितने भोलों का ग्रुप है आपका? ये बोले 4 है जी, हम 5 है और ये हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे भी है भाई, दिखाओ एक बार। छोटे छोटे बच्चे भी है, वीडियो बना रहा है बच्चा अभी छोटा था। तो बोले एक चीज और बताओ, ऐसा आप उत्तराखंड में आए हो हमारे दिल्ली से भी यूपी से जी भैया, तो यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई दुविधा परेशानी कुछ ऐसी? बोले नहीं, सब बहुत बढ़िया। सब बढ़िया है जी? बोले जी बोले। अच्छा बोले एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, जैसा अभी यूपी का आपने सुना होगा माहौल कुछ ऐसा हो रखा कि दुकानों पे नाम वाम को लेकर के कुछ सीन चल रहा है उधर, तो तुम्हारी नजरों में बोले कैसा है वो, गलत है सही है क्या है? जी देखो सबसे बड़ी बात तो पहले तो भाईचारा बना रहना। भाईचारा से पहली बात। हाँ जी, भाईचारे के ऊपर हम जान देने को तैयार है। बिल्कुल बोले, क्या बात बोली बोले। तो भाई बोले ने बहुत बढ़िया बात बोली, भाईचारा पहले होना चाहिए। मतलब बोले देखो जो गलत है वो तो गलत है। हाँ जी, लेकिन जो उनके चक्कर में अच्छे इंसान को भी मजबूरी में भाई दिक्कत आ रही है। जी बोले जी बोले। तो उस पे सरकार से क्या अनुरोध करना चाहोगे? सरकार से सब एक साथ सम्मान मानना है, यही जी हमारी इच्छा है। यही इच्छा है जी, तो आप सबकी यही इच्छा है जी। तो आगे से बोले मतलब आप लोग आ रहे हो, जैसे आप लोगों को आगे कोई मुस्लिम दुकान मिलेगी तो बोले क्या मतलब आप खाना खा चाहोगे वहाँ से लेकर के? जी बोले बात तो ऐसी है, देखो हिंदू हो या मुसलमान हो, है तो इंसान है, सब इंसान है। बहुत बढ़िया बात बोल रही भाई हमारे। अच्छा करो या बुरा करो भगवान देख रहा है, वो तो ऊपर वाला देख रहा है। बुरे को बुरे का फल वो तुरंत देगा और ऊपर जाके भी देगा। और लेकिन इंसानों को तो अपने भाई भाईचारा बना करके यहाँ दुनिया में जब उसने एक खून एक मट्टी से पैदा करा सबको, तो एक होके रहना चाहिए। जी जी बोले। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, शंकर भगवान की जय।